नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार का ऐलान, 2022 में किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज होंगे माफ। अगले साल किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान करने का ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री के इस ऐलान से 3 लाख और किसानों को लोन माफी के दायरे में आने की उम्मीद है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। इस साल 50,000 तक का लोन माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अर्थशास्त्रियों की राय के मुताबिक किसानों के हाथ में अधिक से अधिक पैसा देने का उपाय कर रहे हैं। झारखंड में शराबबंदी से होगा नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात। बिहार प्रदेश जदयू महिला मोर्चा महासचिव रेखा डिडवानिया ने बिहार के तर्ज पर झारखंड प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कैबिनेट के मंत्रियों से की। बुधवार को मधुपुर में पत्रकारों से बात करते हुए महिला नेत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लागू कर बिहार में नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया है। इसका संदेश अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। शराबबंदी से बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रताड़ना मामलों में चमत्कारी सुधार होगा। शराबबंदी से अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसी तरह दहेज प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन में समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इससे बेटियों और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर लगाम लगेगी। झारखंड में बने डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी, आदिवासी उद्यमियों को मिले टेंडर में 70% हिस्सेदारी। झारखंड में आदिवासी उद्यमियों को उनका अधिकार मिले। टाटा स्टील सहित सभी स्थानीय कंपनियों में होने वाले टेंडर प्रक्रिया में 70% की हिस्सेदारी मिले। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी का निर्माण हो, तभी आदिवासी उद्यमियों को सही लाभ मिल पाएगा। इसके लिए एसोसिएशन का गठन किया गया है। पोटका के पूर्व विधायक सनातन मांझी को इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार दोपहर सर्किट हाउस स्थित एक बंगले में प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन के महासचिव एलन लकड़ा ने ये बातें कही। झारखंड की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए राइटर की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार से इसमें अन्य दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जैक को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की अपेक्षा हाई व प्लस टू स्कूलों में दिव्यांग छात्र छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में दिव्यांग छात्र छात्राओं को घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कराई जा रही है। वैसे दिव्यांग जो साधन के अभाव में स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए अलग से साधन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अन्य बच्चों के साथ वह भी स्कूल में पढ़ाई कर सके। खबर है झारखंड के रांची से। चलंत लोक अदालत सह जागरूकता वैन के जरिए डायन बिसाही कुप्रथा के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संचालित चलंत लोक अदालत सह जागरूकता वैन मार्च के पूरे माह में रांची जिले के विभिन्न ग्रामों में जाकर डायन बिसाही जैसे कुप्रथा के विरुद्ध जाकर अभियान चला रही है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा पूरे माह का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है तथा पैनल लॉयर एवं पारा लीगल वॉलंटियर के टीम बनाकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला 5 मार्च से शुरू हो गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस मेले का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक 2021 किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को फूड प्रोसेसिंग से लेकर नए कृषि तकनीकों की जानकारी देना है। इसमें पूर्वी भारत के जानकार भाग लिए। मेले में कोविड-19 के संदर्भ में दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। व्यक्तिगत दूरी का भी पालन, मास्क तथा सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, रांची सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरीलाल शामिल हुए। शनिवार को यानी कि आज सुबह 11 बजे कृषक महिला गोष्ठी होगी, जिसके मुख्य अतिथि श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता तथा विशिष्ट अतिथि बड़का गाँव के विधायिका अम्बा प्रसाद होंगी। दोपहर 1 बजे विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो द्वारा पशु पक्षी प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। मेले का समापन समारोह रविवार को दोपहर 12:30 बजे से होगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में योजना सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मांडर विधायक बंधु तिर्की, खिजरी विधायक राजेश कश्यप एवं रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहेंगी।
मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने का आसार, 8 मार्च तक 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा पारा। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 मार्च के बीच रांची का उच्चतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। शुक्रवार को राजधानी रांची में सुबह से ही तेज धूप खिली रही। शनिवार को मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। यहां सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर सिटी का 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मेदिनीनगर का रिकॉर्ड किया गया। हिंदी पंचांग के अनुसार अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है। अमूमन इस दौरान मौसम न बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है वह जेठ का एहसास दिला रही है। सूर्य के कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि झारखंड के सभी हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक है। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि और कहा कि नक्सलियों की इस घिनौनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लॉन्ची जंगल में गुरुवार की सुबह नक्सलियों के IED विस्फोट की चपेट में आने से झारखंड जुगुरुवार के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान जख्मी है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिकल लाया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में पुलिस वालों को बड़ी राहत मिली है। अब हफ्ते में 6 दिन और रोज सिर्फ 8 घंटे करना होगा काम, वीक ऑफ भी मिलेगा। झारखंड में सरकार ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी और 1 दिन वीक ऑफ का सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए राज्य के DGP नीरज सिंह के निर्देश पर IG मुख्यालय ने पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा है। झारखंड के आरक्षी स्तर के पुलिस कर्मियों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। पुलिस सुधारों के लिए गठित मुसहरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के बजाय 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी मिलेगी। गैर सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में टेट अनिवार्य नहीं। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। इन स्कूलों में आरक्षण का प्रावधान कभी भी लागू नहीं रहा, जबकि सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए संकल्प जारी किया है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों के मिडिल स्कूलों में 3 सहायक शिक्षक भाषा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों के वेतन को उनकी शैक्षणिक योग्यता BEd के आधार पर कर दी जाएगी, लेकिन वेतनमान इंटरमीडिएट प्रशिक्षित का ही रहेगा। इन स्कूलों में BEd पास अभ्यर्थियों जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान पर नियुक्त है, उन्हें 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास करना होगा। इसके बाद उन्हें दिसंबर 2018 से वेतनमान के लिए अनुदान की राशि निर्गत की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी। CM हेमंत सोरेन बोले, छात्रवृत्ति बढ़ाने पर फैसला कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार SC ST और OBC छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति बढ़ाने पर कोर्ट के निर्णय के अनुसार फैसला करेगी। उन्होंने यह बात माडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ST SC और OBC छात्रों को छात्रवृत्ति मुद्दा उठाने पर कहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 4th दिन भी सदन में गतिरोध की स्थिति बनी रही। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर भाजपा के विधायकों ने गुरुवार को अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सरकार की घेराबंदी की। भाजपा विधायकों ने इस विषय पर कार्य स्थगन लाकर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्य स्थगन अमान्य करार दिया। इसके बाद विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन व नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने वेल में बैठकर भजन भी गाए और होर्डिंग की। हालांकि सदन में गतिरोध के बावजूद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन चलाने की कोशिश की, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। खबर है झारखंड के पलामू से। अवैध कनेक्शन से जला रहे बिजली तो हो जाए सावधान, छापामारी में बिजली चोरी करते साथ धराए लगा भारी जुर्माना। छापामारी दल ने बिजली चोरी करते रंगे हाथ 7 लोगों को पकड़ा है। उनके खिलाफ हैदर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही सभी 7 लोगों में 1,35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आप भी अवैध कनेक्शन से बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, जल्द से जल्द कनेक्शन ले लें, नहीं तो जुर्माना के साथ साथ जेल भी जा सकते हैं। वहीं पर राशन कार्ड धारी हो जाए सावधान, अब घर घर होगा सर्वे, राशन कार्ड कर दे सरेंडर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड का पलामू जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में अयोग्य राशन कार्डधारियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने इस अभियान से पूर्व सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा पोड़ैया हाट में रेल परिचालन को मिली हरी झंडी, सीआरएस पूरा। लंबे इंतजार के बाद गोड्डा से रेल परिचालन का सपना पूरा होने जा रहा है। शुक्रवार को निर्धारित समय पर पूर्व रेलवे अंतर्गत मालदा डिवीजन की ओर से गोड्डा पोड़ैया हाट नई रेल लाइन का सीआरएस का काम शुक्रवार को पूरा कर लिया। रेल अधिकारियों ने सीआरएस को पूरी तरह सफल बताया। जल्द ही इसकी रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी। सीआरएस के बाद गोड्डा पोड़ैयाहाट एसडीआर रेलखंड पर यात्री ट्रेन परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले समय कौन कौन सी ट्रेनें गोड्डा से खुलेगी यह भी जल्द ही तय हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 मार्च व अप्रैल के पहले सप्ताह से ट्रेन चलने लगेगी। खबर है झारखंड के दुमका से। हस्तशिल्पियों को रोजगार व बाजार मुहैया कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता, सांसद ने कही। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने बतौर मुख्य अतिथि शुक्रवार को सिटी गार्डन में झार क्राफ्ट की ओर से आयोजित दो दिवसीय स्थानीय विपणन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हस्तशिल्पियों को रोजगार व बाजार मुहैया कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। खबर है झारखंड के गढ़वा से। सभी किसानों का ऋण माफ करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की, सभी किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने उपायुक्त से प्रत्येक प्रखंड में शिविर लगाकर किसानों की समस्या का निदान करने, वास्तविक किसानों को निलंबित करने, सभी किसानों का ऋण माफ करने, एनपीए खाताधारी किसानों का भी ऋण माफ करने, 90% अनुदान पर किसानों को समय से खरीफ एवं रबी फसल का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से राज्य में मानसून के अनियमित रहने से किसान सुखाड़, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं, इसलिए उन्हें आपदा राहत कोष से सहायता राशि उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को पुनः चालू करने की मांग की गई, ताकि किसानों को खेती करने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं गढ़वा में सदर अस्पताल में शुक्रवार को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिव्यांगों की जाँच की गयी। इस दौरान 37 लोगों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिए। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।